हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि क्रोध निबंध में कि अगर कोई किसी अनाथ अबला के प्रति क्रूर कुमार्गी व्यक्ति है, वो अत्याचार करता है, तो उस वो महिला दया के पात्र होने की बजाय उस समय उसकी परिस्थिति के अनुरूप क्रोध ही उचित रहता है। ये उन्होंने उदाहरण सहित इस बात को बताया। और आगे उन्होंने कहा है कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध आता है तो व्यक्ति शांति तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं रहती, उथल पुथल भले ही मच जाती है, तो क्रोध है वो शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। अगर एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्रोध प्रकट कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो दूसरा है जिस पर क्रोध किया जा रहा है वो भी वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है, और जिस पर क्रोध प्रकट किया जा रहा है वो बड़ा अपने आप को अपमानित महसूस करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरियाँ चढ़ जाती है। और वो कहता है इसलिए दूसरे वाला भी क्रोध प्रकट कर देता है कि जैसे ही वो सुनता है और अपमानित महसूस होता है तो दूसरे वाला भी क्या है, अपने आप के बोएँ चढ़ा करके वो भी क्रोध प्रकट करने लग जाता है। ये विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। ये तो सोचने समझने की शक्ति क्रोध वैसे ही खत्म कर देता है। तो अगर वो कहते हैं अगर ये सोच करके व्यक्ति सोच ले कि जो हम पर क्रोध किया जा रहा है वो सही है या गलत, इसी से धर्म नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। तो वो कहते हैं चाहे धर्म में देख लीजिए, नीति परक बातों में देख लीजिए, या फिर कह लीजिए शिष्ट समाज में, सभ्य समाज में देख लीजिए, शिष्टाचार में देख लीजिए, इन तीनों में ही क्रोध का है वो निषेध किया गया है। संत लोग तो खलों के वचन सहते हैं। अब उन्होंने कहा कि देखो कोई आगे उन्होंने कहा है उचित है या अनुचित, ये विवेक तो कुछ एक लोग ही कर पाते हैं। तो संत लोग तो क्या करते हैं, दुष्टों के वचन सहते हैं। दुनियादार लोग न जाने कितनी ऊँची नीची पचाते रहते हैं। और जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं, दुनियादारी जानने वाले लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो भी ऊंची नीची बातें उनके साथ होते हैं, उनको वो हजम कर जाते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। और अगर सभ्य समाज में सभ्यता के नाम पर भी क्रोध है वो उसको बुरा कहा गया है। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। और वो कहते हैं इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये समाज के विकास के लिए और सुख शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। अब यह है भी नहीं है कि प्रतिबंध है वो हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो जाए, इसकी एक सीमा निर्धारित है। यह पर पीड़कों मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। अगर कोई दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहा है और आप फिर क्रोध नहीं करें तो यह सीमा है वो अतिक्रमण हो जाता है, तो इस सीमा को वो सीमा के परे हो जाता है। अगर आप दूसरे को दुख में देख करके अगर या दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए देख करके क्रोध प्रकट करते हो तो वो प्रतिबंध के बाहर है। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। अगर अर्थ कमाने वाले हैं, अर्थ की बात करते हैं वो भी, और धर्म की बात करते हैं वो भी, क्रोध के निषेध का दोनों ही उपदेश देते हैं। पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए, लेकिन वो दोनों ही कहते हैं जैसे अर्थ में हो तो अति तो अर्थ की भी बुरी है और धर्म की भी बुरी है, वो धर्मांधता हो जाती है और वो अर्थांधता हो जाती है। तो वो कहते हैं कि दोनों में ही है अति बुरी है, वही कुछ भी नहीं रहता है। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पहनने की शिक्षा दे भी दें, पर धन के साथ धर्म के ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। अब वो कहते हैं कि अर्थ में भले ही रुपया वसूल करने वाला ढंग बताने वाला चाहे, तो जो एक तरह से साहूकार जिसका धर्म ही अर्थ के नाम पर धन वसूल करना है, वो भले ये कह दे नहीं कड़े पहनने चाहिए और अपना धन का दिखावा होना चाहिए, इस तरह की वो शिक्षा दे दे भले ही, पर धन के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले, लेकिन धन के साथ साथ में धर्म की तो ध्वजा को धारण करते हैं, धर्म को जो लेकर चलते हैं, वो तो धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। वो तो चाहे धोखा भी खा ले, लेकिन फिर भी ये कहेगा कि क्रोध तो पाप ही है।
क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। अब कोई किसी को ठग रहा है और किसी का कोई अपना स्वार्थ से सिद्ध कर रहा है, तो ये दोनों ही हैं वो क्रोध को रोके रखेंगे। अब जो ठगी करने वाला होगा वो कैसे कह देगा ये कि अगर सामने वाला कह देगा नहीं मुझे तो तुम्हारी बातों में नहीं आना, चुपड़ी और इस तरह है कि ललचाने वाली बातों में, तो वो क्रोध कैसे प्रकट कर देगा? उसका तो काम ही ठगना है, वो किसी न किसी एन के एन प्रकार अपना ठगने का काम जारी रखेगा। और स्वार्थ सिद्धि वाला तो चापलूस होगा ही, वो तो बिछने के लिए तैयार रहेगा, तो क्रोध वैसे भी नहीं कर पाएगा। तो जिससे कुछ स्वार्थ निकालना रहता है, जिसे बातों में फंसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते। अब वो कितने भी चाहे क्रोधित होने वाली बात कह दे, लेकिन वो खिसे ही निपोरते हुए मिलेंगे। पर उसका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन, न तो ये धर्म के नाम पर उसका क्रोध न करना आता है, और न ही कोई साधन यानी न कोई साधना के उसके आता है, ना या न कोई अर्थ के मामले में आता है। ये तो उनकी आदतन है कि वो या तो अपना स्वार्थ साधेंगे नहीं तो किसी से ठगी करेंगे। तो न तो ये धर्म का नाम होगा न ही किसी साधन का। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा है दो प्रकार से क्रोध करने के कारण हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। हम लोग रोज क्या कहते हैं आजकल, अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता, पराए दुख से ही सुख से ही सब दुखी रहते हैं। तो दो दुख उन्होंने का प्रकार बताए उन्होंने, एक तो अपना दुख होता ही है, एक पराया दुख भी होता है। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। अब वो कहते हैं कि अगर उन्होंने ऊपर कहा है कि इस तरह के क्रोध पर प्रतिबंध समाज द्वारा लग जाना चाहिए, तो यहाँ यही बात वो कहते हैं कि जो पहले प्रकार का दोष दुख है अपना दुख, वो है उस पर है, वो कहते हैं कि इस दुख पर है वो हम उपदेश देते हैं कि वो हाँ उपदेश को वो कहते हैं क्रोध के उपदेश को दिया जाता है कि ये पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है, और दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद से बाहर माना समझा जाता है। यानी पहले प्रकार का जो दुख है वो तो एक बुराई है इंसान की कि अपना ही दुख सिर्फ दिखाई देता है, और दूसरा पराया दुख है वो कहते हैं इसको क्रोध की बुराई के हद से बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा, यानी क्रोध और उत्तेजना से उत्पन्न हुआ दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। तो यानी व्यक्ति अपने क्रोध से ज़्यादा दुखी न होकर शांत रहेगा तो वह समाज में उतना ही पूजनीय हो जाएगा, और उसका क्रोध है वो क्रोध नहीं होगा, यानी वो क्रोध कर ही नहीं पाएगा। दुख से आगे बढ़कर बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। महावीर बुद्ध ने क्या कहा था, संसार दुख का कारण है, दुख सर्वव्यापी है, हर व्यक्ति दुख से पीड़ित है। तो पहला अनुभव उन्होंने अपना ही लिया था दुख को लेकर के, बाद में उन्होंने समाज को देखा या जो भी देखा, पहला उनका दुख अपना था। तो यहाँ पर भी वो ये कहते हैं कि दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। अब कहते हैं दुख से अगर दूर जाना ही है और क्रोध अपने दुख से ही आता है, तो उस क्रोध से दूर हटने का कारण अपना दुख ही हो सकता है, जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख। अब इसमें अपना दुख में क्या है, अपना कोई दुख हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या परिजन का दुख, या कोई अपना प्रिय है वो कहीं हमसे दूर चला गया है, किसी और जगह जाकर रहने लगा है, या फिर संसार से चला गया, तो परिजन का दुख भी हो सकता है। इष्ट मित्र का दुख, कोई मित्र है, प्रिय मित्र है, उसका भी दुख है, उससे भी हम दुखी हो सकते हैं। इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है, तो वो कहते हैं वो दुख भी हो सकता है जिसमें किसी न किसी बात से किसी न किसी को कष्ट हो रहा है, वह भी दुख का कारण हो सकता है। वह हमारे ग्राम पुर या देश का रहने वाला है। अब अगर हमारे यहाँ रहते हुए कोई, मान लीजिए मैं राजस्थान से बाहर रह रही हूँ और मेरे साथ मुझे कोई राजस्थान से बाहर मेरे ही राज्य का व्यक्ति मिला, या मैं कहीं विदेश में रह रही हूँ मुझे मेरा ही देश का व्यक्ति मिला, या मैं कहीं मान लीजिए राजस्थान में भी किसी और ज़िले में रह रही हूँ और मुझे मेरे ही गाँव का व्यक्ति मिला,
तो वहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी, तो वहाँ वो कहते हैं उसको देखकर हमारे मन में एक उत्साह उमंग ललक लालसा जगेगी, न कि क्रोध। तो वहाँ क्रोध है वो उसमें पूर्णता नहीं हो पाएगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। लेकिन कहते हैं इन सब को देख करके जहाँ क्या है उक्त भावना कि वो मेरा है, मेरे देश का है, मेरे गांव का है, मेरे शहर का है, ये भावना आ जाएगी तो वही सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को दुख को देख करके जब व्यक्ति दुखी होगा वही पर दुख कातरता होगी, वही दूसरे का दुख से दुखी होना होगा, वही क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा। ऐसा सौंदर्य जो काव्य के क्षेत्र में भी जगमगाता है और वही क्रोध है वो कहते हैं अद्भुत होगा। और ऐसे सौंदर्य क्रोध के सौंदर्य की ही काव्य में भी पूजा होगी। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।